हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गार्डन डिज़ायर्स में। आज मैं आपको बताऊंगी कि तोरी को घर पर कैसे उगाएं। तोरी, जिसे कि हम रिज गार्ड भी कहते हैं, इसे घर में लगाना बहुत ही आसान है। आप इसे अपने गार्डन में, ज़मीन में भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं। और इसे बहुत ही कम केयर की ज़रूरत है। गर्मी में ये लगता है और बहुत ही फैल जाता है, बेल की तरह ये लगता है। और इसमें भरपूर तोरियाँ आपको मिल जाती हैं। तोरी एक हल्के हरे रंग की सब्जी है जो लता के रूप में बढ़ती है। ये एक महत्वपूर्ण सब्जी है जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन B6 जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आप तोरी को बहुत ही आसानी से अपने घर में गमले या ग्रो बैग में उगा सकते हैं। इसे मुख्य रूप से गर्मियों में उगाया जाता है। आइए जानते हैं तोरी को उगाने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इसका बुवाई का मौसम होता है फरवरी मार्च और जुलाई सितंबर के महीने। बुवाई का तरीका है, बीजों को लगभग 0.5 इंच गहराई पर गमले या ग्रो बैग की मिट्टी में बोएं। बुवाई से लगभग 6 से 8 दिन में तोरी के बीज अंकुरित हो जाते हैं। रोपण से लगभग 13 से 14 सप्ताह के बाद आपको तोरी तोड़ने को मिल जाती है। आइए जानते हैं तोरी को उगाने के लिए गमले की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तोरई को लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन इसे रेतीली दोमट मिट्टी में अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है। तोरई का पौधा लगभग 6.5 से 7 pH के बीच वाली मिट्टी में अच्छे से ग्रो करता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी अच्छी तरह से सूखी और हवादार होनी चाहिए। मिट्टी में जल का भराव नहीं होना चाहिए। वेल ड्रेन सॉइल के लिए आप मिट्टी इस तरह से तैयार कर सकते हैं कि आप उसमें रेत, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद मिलाकर इस मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। तोरी के पौधे को 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान में अच्छी तरह से ग्रो किया जा सकता है। तोरी की उपज बढ़ाने के लिए आप इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बोन मील, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और गोबर की खाद मौजूद हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल गार्डन डिज़ाइंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।